हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। फिजिकल चेंजेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया था, केमिकल चेंजेस के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, और केमिकल चेंज में रस्टिंग को जाना था। रस्टिंग के बाद में एक्टिविटी 6.6, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा मैग्नीशियम कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी एक्टिविटी देखी, एक्टिविटी 6.7। उसमें क्या देखा कि एक आयरन के पीस ने कॉपर सल्फेट को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, आयरन सल्फेट में। अब लेकिन ये दोनों एक्टिविटी क्या थी, ये टीचर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करनी थी, आपको खुद से नहीं करनी थी। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था, नेक्स्ट एक्टिविटी जो 6.8 है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं घर में। तो चलिए जानते हैं इस एक्टिविटी के बारे में, क्या है एक्टिविटी। टेक अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, यू विल हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। देखिए, विनेगर आपके घर में बहुत ही इजिली मिल जाएगा, बेकिंग सोडा मिल जाएगा, थोड़ा सा विनेगर टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा एक चुटकी बेकिंग सोडा डालिए, और आप क्या देखेंगे कि काफ़ी सारे उसमें से बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे और एक हिसिंग साउंड आएगी। हिसिंग साउंड कैसी होती है, कैसी, एक हिस की जो साउंड होती है उस टाइप की साउंड आएगी। कई बार जब से आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं उस समय जो साउंड आती है उसी टाइप की आपको साउंड आती दिखेगी, ओके, सुनाई देगी, और बबल्स दिखाई देंगे। फिर क्या करना है, जो बबल्स आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि कुछ कोई ना कोई गैस उसमें से निकल रही है बाहर। अब वो जो गैस निकल रही है उसको क्या करना है, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर। इस गैस को लाइम वाटर से पास करना है। लाइम वाटर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, पिछले चैप्टर की रीडिंग में। चूने को भिगो करके रख देंगे रात भर, उसके बाद क्या होगा, ऊपर ऊपर के पानी को धीरे से निकाल लीजिए, दैट इज लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसा होता है देखने में, लाइम वाटर जो है टोटली क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, और वो एक ओपेक भी नहीं होता है कि उसके आर पार ना दिखे। वो कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, मीन्स उसमें थोड़ा सा धुंधलापन रहता है, हल्का सा, थोड़ा आप बोल सकते हैं कि जो गंदा पानी होता है व्हाइट कलर का, उसमें कुछ मिक्स हो गया हो, इस टाइप का आपको दिखाई देगा, ओके। अब इस लाइम वाटर से जब आप गैस को पास कर रहे हैं तब क्या होगा, गैस को पास करेंगे तब उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, कुछ चेंजेस हो जाएंगे, क्या होंगे, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। विनेगर क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है, प्लस बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, उसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब विनेगर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब मिक्स हुआ, देन इट बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस, मीन्स जो गैस निकल रही थी वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ओके। और भी कुछ सब्सटेंस बन रहे हैं, ये सब्सटेंस क्या बन रहे हैं, ये आगे आप लोग जब केमिस्ट्री में लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब जानेंगे, ओके। तो अभी आपने क्या देखा कि आपने विनेगर में बेकिंग सोडा डाला तो कौन सी गैस आई, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बन गया, नई गैस आ गई। अब क्या करना है, इस गैस को आपने क्या किया था, लाइम वाटर के थ्रू पास किया। पास कैसे करना है, चलिए पहले मैं ये दिखा देता हूं, फिर आप जो है उसको समझिए। देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में आपने विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स किया। घर में अगर आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ पहले ही ऐसा अरेंजमेंट कर लीजिए कि उसको कैप ऐसे कवर कीजिए कि उसमें से एक ट्यूब ऐसी हो जिसमें से जो भी गैस बन रही है वो इस ट्यूब के अंदर आकर के बाहर निकले। अब इस ट्यूब से वो गैस कहाँ जानी है, लाइम वाटर में पास करनी है, मींस दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें लाइम वाटर भर दिया और इस ट्यूब को उस लाइम वाटर के अंदर डिप कर दिया। अब जो गैस होगी वो इस लाइम वाटर के अंदर जाएगी और बुलबुले बन के बाहर निकलेगी, मीन्स लाइम वाटर से ये गैस पास हो रही है। अब ये गैस कौन सी बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको किससे पास कराया आपने, लाइम वाटर के थ्रू पास कराया। अब लाइम वाटर के थ्रू जब पास कराया तब क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
लाइम वाटर बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होता है, थोड़ा सा याद कर लीजिए, अभी आगे चल के आप लोग इसी के बारे में कुछ ना कुछ रोज पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको रट जाएगा। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर का फार्मूला क्या है, CaOH2। इसको कैसे पढ़ा जाता है, देखिए CA पूरा लिखा हुआ है, CA कैल्शियम हो गया। हाइड्रोक्साइड के लिए एक ब्रैकेट के अंदर OH है और ब्रैकेट बंद करके नीचे 2 लिखा हुआ है, इसको हम CaOH2 पढ़ेंगे। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर जब मिक्स हुए तब क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, एक नया सब्सटेंस। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 और वाटर H2O। ओके, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। कैसा था अभी लाइम वाटर आपका, मैंने बताया था आपको ट्रांसल्यूसेंट था, थोड़ा सा धुंधला धुंधला व्हाइट कलर का दिख रहा था, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये प्योर व्हाइट हो जाएगा, जैसा आपका दूध होता है, मिल्क होता है, एकदम मिल्की हो जाएगा। मीन्स अगर मिल्की हो गया तो आप उसको देख करके समझ जाइए कि लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास किया है हमने और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बना है, इस वजह से ये मिल्की हो गया है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इंटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीद आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी टेस्ट करने का यही एक सबसे सिंपल फॉर्मूला है, तरीका है, क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास कीजिए, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है मीन्स वो गैस कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप लोग जो ब्रीद करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं जब, तब क्या होता है, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉ के थ्रू फूकिए लाइम वाटर में, और क्या होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास होगी और वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। उससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि हम जो ब्रीद आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे भी। ओके, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमने एक्टिविटीज की, इन एक्टिविटीज के हमने के थ्रू हमने केमिकल चेंजेस के बारे में जाना। एक्टिविटी 6.6, 6.8 जो हमने पिछले वीडियोज में की थी उसमें क्या देखा था, यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वेयर फॉर्म। इन एक्टिविटी 6.6 दी ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस। देखिए मैग्नीशियम जब ऐश में कन्वर्ट हुआ तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ओके, इन एक्टिविटी 6.7 में क्या हुआ था, कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन डाल दिया था तो क्या हो गया था, आयरन सल्फेट और कॉपर नया सब्सटेंस मिला। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज, कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। और जो अभी एक्टिविटी हमने की है 6.8, इसमें क्या किया, विनेगर और बेकिंग सोडा को जब मिक्स किया कार्बन डाइऑक्साइड मिली, लाइम वाटर मिला, मिल्की हो गया, ये भी नए सब्सटेंस हैं। ओके, इस तरीके से कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन, जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसके नाम भी आप दे सकते हैं। ये सब आप जब वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में तब आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, अब आ गया है मेन डेफिनेशन, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कभी हमें एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस मिल रहे हैं कुछ चेंजेस होकर के, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, इस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए केमिकल चेंजेस के बारे में हम थॉरली पढ़ लें तो समझें कि क्या क्या चीज़ें केमिकल चेंजेस में आती हैं, केमिकल चेंजेस के क्या फ़ायदे हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एटसेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। देखिए केमिकल चेंजेस का हमारी लाइफ में बहुत रोल है और बहुत यूजफुल है,
हमारा जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो भी एक केमिकल चेंज है, फ्रूट जो पक जा रहा है, कच्चा फ्रूट जो पक रहा है वो भी एक केमिकल चेंज है, फर्मेंटेशन ग्रेप्स का हो रहा है, फर्मेंटेशन होके क्या हो रहा है, ग्रेप्स से एक हम नया सब्सटेंस बना रहे हैं, अल्कोहल बन रहा है या विनेगर बन रहा है, वो भी एक केमिकल चेंज है। इस तरीके के सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस के थ्रू ही हम मेडिसिंस बनाते हैं। बहुत सारी मेडिसिंस में आप देखेंगे केमिकल फार्मूलाज लिखे होते हैं, ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल को मिक्स करके उनका रिएक्शन करा के केमिकल चेंजेस करके हम नए सब्सटेंसेस पाते हैं और वो मेडिसिन की फॉर्म में यूज होते हैं। प्लास्टिक्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनते हैं, तो ये सब हमारी लाइफ में बहुत यूजफुल हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। इन एडिशन टू अ न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकंपनी अ केमिकल चेंज। देखिए, एक नया प्रोडक्ट तो बन ही रहा है केमिकल चेंज में, उसके अलावा और क्या चीज़ें हो रही हैं जो आपको केमिकल चेंज के बारे में बताती हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल में भी गिवेन ऑफ और ऑब्जर्व। अगर किसी रिएक्शन में हीट डेवलप हो रही है, लाइट डेवलप हो रही है, या हीट एब्जॉर्ब हो रही है या लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो या अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है या कुछ निकल रहा है, तो ये भी एक केमिकल चेंज का ही साइन है। साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस होती है इनमें कई बार। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। कई बार स्मेल चेंज हो जाती है प्रोडक्ट की या कोई नई स्मेल आती है, वो भी एक केमिकल चेंज है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर में भी चेंज आता है। देखिए, कलर हमने वहां पढ़ा था कि फिजिकल चेंजेस में भी कलर आ रहा था, बट यहाँ क्या है, नए सब्सटेंसेस भी बन रहे हैं, कलर भी चेंज हो रहा है। ओके, जैसे हमने देखा था क्या हो रहा था, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बना, कलर चेंज हुआ, बट हम उसको फिजिकल चेंज नहीं बोल सकते कि वहां पर केवल कलर चेंज हुआ, ऐसा नहीं है। वहां पर नया सब्सटेंस मिला है, कॉपर सल्फेट से कन्वर्ट हो गया आयरन सल्फेट में, गैस में भी फॉर्म, गैस भी बन सकती है। ओके, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी हमको करना पड़ेगा कि कहां पर फिजिकल चेंज है और कहां पर केमिकल चेंज है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकंपनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। देखिए, जो भी चीजें जल रही हैं, आपने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा, कोल, वुड, लीव्स, कुछ भी जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो ऐश बन रही है और हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ये सारी चीजें क्या हैं, बर्निंग क्या है, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज। यू नो दैट सच एज एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमोसफेयर। देखिए, जब फायर क्रैकर्स हम लोग यूज करते हैं, आपको पता है कि उसमें हीट भी डेवलप होती है, साउंड भी होता है, लाइट भी होती है, तो ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। कुछ गैसेस भी होती हैं जो एनवायरनमेंट को पल्यूट भी करती हैं। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क। इसीलिए बोला जाता है कि पटाखे मत जलाइए, क्योंकि एटमोसफियर पल्यूट होता है। वेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फॉल स्मेल, शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। कई बार खाना खराब हो जाता है, उसमें से गंदी महक आने लगी लगती है, बदबू आने लगती है, क्या वो भी एक केमिकल चेंज है? यस, दिस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर ऑफ इट इज नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ अ पोटैटो और ब्रिंजल। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेज इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस और नॉट दिस चेंजेज अ केमिकल चेंज। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि एप्पल खाने के लिए आपको दिया गया काट के, और जब फ्रेश कटा हुआ था तो वो बढ़िया लग रहा था, थोड़ी देर बाद हल्का सा ब्राउन कलर का हो गया वो। इसी तरीके से पोटैटो या ब्रिंजल काट के रख देंगे, उसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होने से क्या ये फिजिकल चेंज हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कलर जो चेंज हुआ है, ये इस वजह से चेंज हुआ है क्योंकि इसके ऊपर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। जब वो एयर के कांटेक्ट में कटा हुआ एप्पल रखा हुआ था, तो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पर एक नया सब्सटेंस डेवलप हो गया और ये एक केमिकल चेंज है। इसीलिए कहते हैं कि फल और सब्जियों को कटा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, उनको कंज्यूम करना चाहिए। ओके, इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस।
इज न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में हम जब न्यूट्रलाइजेशन को पढ़ रहे थे, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज किया तब क्या हो रहा था, सॉल्ट बन रहा था, वाटर बन रहा था, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। यस दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, तो ये जिस तरीके के ये सारे चेंजेस हैं ये सब केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं, और ये सारे केमिकल रिएक्शन क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। ओके, देखिए यहाँ बूझो पहली का कुछ है। वी लर्न इन चैप्टर वन दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज? आपको क्या लग रहा है, फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है? यस, पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस में तो वो पूरा फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, कैसे, सनलाइट की हेल्प लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, क्लोरोफिल है, वाटर है, इनकी हेल्प से क्या बनाया उन्होंने, फूड बना लिया, तो ये तो केमिकल चेंज है ही। पहली बोल रही इवन डाइजेशन इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, जो फूड हमने खाया उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। देखिए इस ब्लू ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। अ प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन अवर एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच कम फ्रॉम द सन। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, कैन वी कॉल द ब्रेकिंग ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? आपने हो सकता है सुना भी होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एक ओजोन की लेयर है। ओजोन क्या करता है, जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट में बहुत सारी हार्मफुल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो ओजोन लेयर इन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, और इस वजह से क्या होता है कि ओजोन ब्रेक होता है, टूटता है, किसमें, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज ही है। ओजोन से ब्रेक होकर के टूट के एक नया सब्सटेंस बना है ऑक्सीजन, ये भी एक केमिकल चेंज है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेयर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। जो ओजोन लेयर है ये हमारी लाइफ के लिए, अर्थ के लिए एक शील्ड का काम करती है। क्यों? क्योंकि सन से जो रेज आ रही हैं इसमें बहुत हार्मफुल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिनको ओजोन लेयर क्या करता है, इन सारी रेज को वहीं पर रोक देता है और अर्थ तक नहीं आने देता है, जिससे हम उनसे, उन रेज से प्रोटेक्ट रहते हैं, हमको कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, तो ये ओजोन क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। चलिए, केमिकल चेंजेस टॉपिक हमारा हो गया। अभी 6.3 टॉपिक है, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, क्यों रस्टिंग होती है, कैसे रस्टिंग होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।